हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द इंजीनियरिंग बड़ी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महाडीबीटी का रिन्यूअल फॉर्म कैसे फिल करना है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपका कुछ भी लॉस ना हो जाए। एंड लास्ट डेट की बात करूँ तो अभी तक जो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक का जो अपडेट है मीन्स 31 जनवरी 2022 बोला गया। अगर एक्सटेंड होएगा तो मैं आपको इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा मैं। ओके, सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो एक रिक्वेस्ट था, मीन्स बहुत लोग मेरे वीडियोस को देखते हो बट उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना एंड जो नए व्यूअर होंगे आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी अपडेटेड रहो आप। एंड बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट आपको क्रोम पे जाना है एंड आपको महाडीबीटी के वेबसाइट पे चले जाना है। तो आप बोलोगे कि उसका लिंक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, डोंट वरी। आप उधर से जाके अप्लाई कर दे, मीन्स आप उधर से ले लेना वो लिंक को। ओके, बट पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद ही लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन से क्लिक करना। ओके, सो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे टाइप का टैब खुलेगा एंड आपका यूज़र आईडी मांगेगा एंड पासवर्ड मांगेगा। सो आपको जो आपने पहले जो स्कॉलरशिप पढ़ा था उसका जो आपका यूज़र आईडी होएगा एंड पासवर्ड आपको डाल देना है एंड अभी एंड कैप्चर कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका ऐसा कुछ टैब खुल जाएगा। सो अब भी आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आधार बैंक लिंक पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसा टैब खुलेगा, आपका क्रॉस बना रहेगा। सो इधर आपको क्लिक कर देना है गेट आधार स्टेटस पे। अगर आपका बैंक मीन्स आधार कार्ड आपका बैंक से लिंक रहेगा सो आपका ऐसा कुछ सक्सेसफुल मैसेज करके आएगा एंड उसके बाद ऐसा आपको ऐसा टैब देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को बैंक से लिंक नहीं किया होगा तो आपका इधर क्रॉस ही रहेगा। ओके, तो अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक नहीं किया हो तो ये प्लीज़ जल्दी कर लीजिए ताकि आप जल्दी से फॉर्म कंप्लीट कर सकें। सो ये स्टेप होने के बाद आपको सिंपली प्रोफाइल पे अब क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ऐसा आपका ऐसा कुछ टैब ओपन हो जाएगा, इधर जाके आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ टैब देखने को मिलेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, करंट कोर्स, पास्ट क्वालिफिकेशन, हॉस्टल डिटेल। सो आपको फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सो आपको आधार, इधर आपका आधार नंबर रहेगा। अगर आपने मीन्स कुछ नया चेंजेस कराया होगा सो आप इधर से अपडेट कर सकते हो। आपका नेम रहेगा इधर एंड आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर चेक कर लेना कि करेक्ट है सब। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका इधर एप्लीकेशन फुल नेम, एक्चुअली इधर ऑलरेडी रहेगा, फिल रहेगा। अगर आपका कुछ चेंजेस रहा तो आप चेंज कर सकते हो। इधर आपको रिलीजन डालना है, मीन्स ऑलरेडी फिल रहेगा, आपको बस चेक कर लेना कि राइट है ना, ऐसे करके कि राइट है कि क्या। अगर कुछ भी आपको लगा तो आप चेंज कर सकते हो। इधर आपका कास्ट कैटेगरी डालना है, कौन से स्कीम से आप ये स्कॉलरशिप लिए हो, तो EBC से लिए हो तो आपको EBC डाल देना है। इधर आपको इनकम सर्टिफिकेट अभी जो इस बार का जो न्यू इनकम सर्टिफिकेट बनाया होगा उसका इनकम आपको इधर डाल देना है। इधर आपको इनकम सर्टिफिकेट है तो उधर येस डालना है, इधर नो है तो नो रखना है। फिर इधर इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना है, मीन्स आपको इनकम सर्टिफिकेट के राइट कॉर्नर पे एक क्रमांक टाइप का कुछ लिखा रहेगा, वो नंबर रहेगा, वो आपको इधर डाल देना है। उसके बाद इधर इश्यू अथॉरिटी रहेगा तो तहसीलदार डाल देना है। फिर इनकम सर्टिफिकेट, एक्चुअली ये इनकम सर्टिफिकेट है, इधर आप जैसे कि आप देख सकते हो ये थोड़ा क्रॉप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। सो इधर चूज फाइल है तो इधर आपको न्यू वाला इनकम सर्टिफिकेट आपको इधर फाइल को चूज अपलोड कर देना है। आप इधर
व्यू डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो कि मेरा जो अभी अपलोड किया हुआ है कि नहीं, इसके लिए। एंड डेट ऑफ इश्यू डालना है, मीन्स इनकम सर्टिफिकेट के जो एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे नीचे रहेगा डेट रहेगा, वो डेट इधर डाल देना है, मीन्स न्यू वाले इनकम सर्टिफिकेट के, ओल्ड वाले को नहीं। इधर आपका आप डोमिसाइल का डिटेल मांगे आपसे, सो आपके पास डोमिसाइल महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, यस। सर्टिफिकेट है, यस। इधर रिलेशन टाइप सेल्फ, इधर नो है सो नो। इधर आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, मीन्स ये ऑलरेडी रहेगा, फिर भी एक बार चेक कर लेना कि राइट है कि रॉन्ग। फिर एप्लीकेंट नंबर रहेगा, सॉरी, फिर एप्लीकेंट नेम रहेगा। इधर का जो रहेगा आई थिंक वही है, क्योंकि आपने ये डोमिसाइल आपको लास्ट ईयर का एक ही बार जो बनाते हो वही अपलोड करना रहता है, तो उसका डिटेल आपका सेम रहेगा। एक बार फिर से आप अपलोड कर देना डोमिसाइल को, ओके। एंड इधर से आप व्यू कर सकते हो। सो ये आर यू सैलरीड, नो। डिसेबिलिटी, नो। अभी इधर आपका बैंक बैंक डिटेल डालना है, सो हैव यू डज द अकाउंट हैव अ लिमिट्स ऑन विदड्रॉ डिपॉजिट्स, तो आपका नो रहेगा तो नो डाल देना। फिर इधर एट लास्ट मीन्स आपका बैंक डिटेल मांगेगा वो, तो बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, आईएफएससी कोड डालना, एंड इधर ब्रांच नेम डाल देना। मीन्स एक्चुअली पहले से रहेगा, बस आपको थोड़ा चेंजेस करने होंगे, अगर रॉन्ग बता रहेगा तो देख लेना कि राइट है कि रॉन्ग। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करके स्लिप सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब हम एड्रेस इंफॉर्मेशन पे आ गए हैं, सो अब हमें एड्रेस इंफॉर्मेशन में मीन्स और सेम ऑलरेडी पहले से हम लोग एड्रेस रहेगा हमें, तो इसका कुछ चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज रखना है इसको। एंड सेव पे क्लिक कर देना है इसको, एज इट इज रखना, कुछ भी चेंजेस मत करना, सेव पे क्लिक कर देना है इसको। एंड फिर आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर अदर इंफॉर्मेशन पे भी जाना है, तो इसका ये भी इंफॉर्मेशन आपका एज इट इज रहने वाला है, सो इसमें भी कुछ चेंजेस मत करना, सेव कर देना, जा सेव कर देना इसको। एंड ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा उसके बाद। एंड अब करंट कोर्स पे आ गए हम लोग, सो अब ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत क्लियर ध्यान से फिल करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स, सो आपका जो ईयर में जो आपका एडमिशन हुआ होगा उसका ओ ईयर का, इधर ओ ईयर डालना है, इधर इंस्टीट्यूट स्टेट महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट इधर डाल देना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो के हो आप। फिर इधर तालुका डालना है, इक्वेशन लेवल डालना है, स्ट्रीम डालना है इधर स्ट्रीम, ये डालने के बाद आपका कॉलेज का नाम खुद ही आ जाएगा। इधर से कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेना है, इधर कोर्स का नेम सेलेक्ट करना है। फिर उसके जस्ट इसके एकदम नीचे जाओगे ना, सो आपको एक कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट ईयर आपके कोर्स का नेम रहेगा, कॉलेज का नेम रहेगा, एंड इधर कंप्लीटेड के नीचे परसुइंग लिखा रहेगा। सो आपको करना क्या है कि पहले इसको डिलीट करना है, ये आपका फर्स्ट ईयर का है, सो इसको आप डिलीट करना है, ओके। क्योंकि हम फिर से रिन्यूअल करा रहे, रिन्यूअल फॉर्म को कर रहे हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इसको डिलीट करने के बाद आपका इधर कुछ ऐसा नो डाटा एडिट इससे लिखा के आएगा, सो सिंपली उसके ऊपर मीन्स जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो आपको फिल कर देना है। एंड इसमें सीट ये इसमें मैंने एक और एक चीज़ स्किप कर दिया है, मीन्स आपका सेमेस्टर टू का मार्क्स, मीन्स सीजीपीए 2% मांगेगा, तो आप गूगल पे जाके सीजीपीए 2% सर्च करके आप अपना सीजीपीए डाल दोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, सो आपको करके परसेंटेज डाल देना। एंड सेम टू का रिजल्ट भी आपको मांगेगा, तो वो भी आप सबमिट कर देना। तो ये सब जैसे कि अभी ईयर ऑफ स्टडी ये सब डाल देना आपको जो भी मांगेगा। उसके बाद अभी ये डिटेल फिल करने के बाद आपको सीटी का परसेंटाइल मांगेगा, तो आपको इधर परसेंटाइल डाल देना है सीटी का। सो जैसे कि इधर देख सकते कि इधर रेड रेड आया, सो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही रखना है, तो दो डिजिट डालोगे तो ये हट जाएगा रेड कलर का।
एंड इधर आपका ये सीटी का मार्कशीट, इधर एक्चुअली सीटी का मार्कशीट मत अपलोड कर देना, बिकॉज इधर देख सकते हो कि एडमिट कार्ड नंबर इधर मांग रहा है, मीन्स इधर एडमिट कार्ड आपको फिल करना है, जो कैप आईडी होते हैं जब आप एडमिशन लेने जाते हो कॉलेज में, तो एक एडमिट कार्ड में रहता है, उसमें मीन्स कॉलेज का नेम भी रहता है, इसमें बोर्ड्स का मार्क्स भी रहता है, एंड सीटी का भी मार्क्स रहता है। इधर एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना है, तो ध्यान से कर लेना इसको। उसके बाद इधर जो भी आपको डिटेल मांगेगा वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा आपको। उसके बाद आप देख सकते हो कि सेव पे क्लिक करने के बाद ही इधर आपका कंप्लीटेड लिखा के आ गया है, पहले परसों लिखा के आ रहा था, अभी कंप्लीटेड लिखा के आ गया। इधर आपको गैप एंड यस ईयर ऑफ स्टडी सेकेंड ईयर इधर आपको क्लिक कर देना है। इधर मीन्स आपको सेकेंड ईयर का डिटेल डालना है, आपको ये सेकेंड ईयर में इधर एडमिशन डेट मीन्स जब आपने कॉलेज में फी पे किया होगा, तो उसमें फीस रिसिप्ट में जो डेट आया होगा वो डेट इधर आपको डाल देना है। इधर आपको सेकेंड ईयर परसुइंग डाल देना है। इधर फीस पेड आपने कितना किया, अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो आप इधर 0-0 डाल सकते हो, एंड ईबीसी के हो तो फिर आपका अगर फीस रिसिप्ट है मीन्स ट्यूशन फीस जो रहेगा वो आपको इधर डालना है। बस अब ये सब आपको डिटेल फिल कर देना है, गैप जीरो मोड रेगुलर, और उसके बाद सेव वापस से सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद कुछ आपका ऐसा कुछ कोर्स डिटेल सेव सक्सेसफुली लिखा के आएगा, ओके क्लिक कर देना है। फिर अब हम आ जाएंगे पास क्वालिफिकेशन पे। मैं पास क्वालिफिकेशन का बात कर लूँ तो पहले तो आपको एक नोट पर ये नोट पढ़ लेना, काइंडली फिल एसएससी एंड एचएससी डिप्लोमा डिटेल, इग्नोर इफ यू ऑलरेडी फिल्ड, मीन्स हमने जब फर्स्ट टाइम पे ये स्कॉलरशिप फिल किया था तो हमने ऑलरेडी 10th और 12th के बारे में सारे डिटेल फिल किया है। आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है फिर से फिल करने की। जैसे कि आप नीचे जाओगे तो देखोगे इसका 10th और 12th का इधर आपका डिटेल मिल जाएगा। अभी कोई ज़रूरत नहीं इसमें कुछ भी करने की। आपको नेक्स्ट कर लेना है, मीन्स हॉस्टल डिटेल पे चले जाना है, कुछ सेव पे भी क्लिक मत करना, डायरेक्ट हॉस्टल डिटेल पे चले जाना। उसके बाद हॉस्टल डिटेल पे आओगे आपका इधर अगर आप हॉस्टल में रहते हो आप इधर आपका हॉस्टल लिखा रहेगा, एंड कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो उसके एड्रेस में आप इधर से एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप जब रेगुलर जो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो घर से डायरेक्ट कॉलेज आता है आप डे स्कॉलर पे जाके क्लिक करके सेव कर लेना। आपको इधर डे स्कूलर पे क्लिक करके अब आपको इधर ऑल स्किप पे क्लिक कर देना है। ऑल स्किप पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, आपको पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है एंड स्कीम नेम सिलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है मीन्स अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और ईबीसी लिए हो आप डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आपको सिलेक्ट करना है, अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हो तो हायर एजुकेशन सिलेक्ट करना है, अगर आप ओबीसी वाले हो तो इधर आपको ओबीसी सिलेक्ट कर लेना है। एंड स्कीम नेम की बात करें तो आप जो भी स्कीम आपका राजश्री छत्रपति साहू महाराज का स्कीम है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इधर सर्च पे क्लिक कर देना है, सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। मैं पहले बात कर लूँ कि आपका ये डॉक्यूमेंट इधर अपलोड करना है, मीन्स अंडरटेकिंग फॉर्म। वो क्या होता है मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट मैं बताता हूँ कि ऐसा दिखता है। डाउनलोड करना, मैंने एक वीडियो में डिटेल वीडियो बनाया है, मैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आई बटन पे, उधर से आप देख लेना। पहले मतलब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये दिखता कैसा है, मीन्स ऐसा कुछ आपको ये अंडरटेकिंग फॉर्म दिखेगा, वो आपको डाउनलोड करके उधर इसमें डिटेल डाल के, मैंने एक्चुअली वो वीडियो में पूरा डिटेल बताया कि कैसे फिल करने का, इधर क्या फिल होएगा, इधर क्या मीन्स, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इधर नहीं बता रहा हूँ, वो वीडियो देख लेना। मीन्स पहले तो पूरा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, उसके बाद ही जाके वो वीडियो देखना चेक करना, ओके। एंड उसके बाद आपको इधर रिन्यूअल एप्लीकेशन पे यस यस कर देना है, इधर नो करोगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी मांगेगा इधर,
सो मीन्स वो एप्लीकेशन आईडी प्रीवियस ईयर का जो आपने स्कॉलरशिप का भरा होगा, सो उसका एप्लीकेशन आईडी चाहिए रहेगा। सो आपको वो कैसे चेक करना है, सो आपको अप्लाइड अप्लाइड स्कीम हिस्ट्री पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, फिर ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। आपको लास्ट 2020 टू 2021 सेलेक्ट कर लेना है एंड सर्च पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा, इधर आपका प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन आईडी रहेगा, मैंने हाइड करके रखा है, तो इधर आपको अपना प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन आईडी दिख जाएगा, उधर आप फिल कर देना। एंड इधर आपको नंबर ऑफ योर नंबर ऑफ बेनिफिशरी इन फैमिली मीन्स कितने लोग ने अभी तक ये स्कॉलरशिप का फायदा उठाया, सो अगर आप एक वन होंगे सो आपको इधर वन सेलेक्ट कर लेना है। एंड इस टेकिंग बेनिफिट ऑफ TFWS तो नो कर लेना है, एंड इसके लिए भी EWS के भी नो करना है आपको। सो ये डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। तो सेव पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका इधर एक PDF ओपन हो जाएगा, जो आपका सारा डिटेल रहेगा। आपको उधर से डिटेल चेक कर लेना है कि हाँ मैंने सब राइट भरा है ना। उसके बाद इधर आपको सबमिट कर लेना है ये PDF डिटेल को, PDF को। उसके बाद आपका ऐसा कुछ मैसेज आएगा और सक्सेस का मैसेज आपको आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर दिस स्कीम। उसके बाद ओके कर देना है। फिर ये मैसेज आने के बाद आपको माई अप्लाई स्कीम पे क्लिक कर लेना है। सो माई अप्लाइड स्कीम पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा कुछ दिखेगा इंटरफेस। सो इधर आपका एप्लीकेशन आईडी दिखेगा न्यू वाला, जो अभी जस्ट आपने फॉर्म भरा है उसका एप्लीकेशन आईडी इधर रहेगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आपका डिपार्टमेंट नेम, आपका स्कीम, आपका स्टेटस अंडर सिक्योरिटी नहीं रहेगा। एंड व्यू फॉर्म इधर आप व्यू करके आप PDF को डाउनलोड कर लेना। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का। सो प्लीज़ फॉर्म को बहुत ही ध्यान से फिल करना, अगर आपको एक बार में ना समझे तो वापस से वीडियो देखना। एंड वो जो अंडरटेकिंग फॉर्म था जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज़ उधर से मेरे वीडियो को देख के मैंने पूरा डिटेल किया हो कि उसको फिल कैसे करना है। अच्छे से वो वीडियो को देख लेना, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। स्टे सेफ।